सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास प्लस टू लेसन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट अलंकार। और आज हम चर्चा करेंगे कि अलंकार क्या है। आप हमारी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है श्रृंगार, जब हम किसी चीज़ का श्रृंगार करते हैं, जैसे एक औरत है वो अपने गले में गहने पहनती है तो उसको हम अलंकार कहते हैं, कि श्रृंगार करना। उसी प्रकार म्यूजिक में अलंकार क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि नियमित वर्ण ग्रुप यानी एक स्वरों का एक ग्रुप जब एक साथ परफॉर्म किया जाता है एक श्रृंगार के साथ उसको अलंकार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सात स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। जब इन सात स्वरों को एक ग्रुप के अंदर श्रृंगार के गाएंगे तो इसको अलंकार कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, एक क्रम में चल रहा है ना, सा रे गा मा पा धानी सा, एक क्रम में चल रहा है। सा के बाद रे के बाद गा है, गा के बाद मा, पा धानी सा। ओके, इसी प्रकार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धानी ने सा सा, सा सा रे रे गा गा, इसको दो दो बार प्ले किया, सा सा रे रे गा गा मा मा, ये अलंकार है। फिर सा रे गा गा मा पा मा पा धा पा धा ने सा, यानी सा रे गा, तीन तीन का ग्रुप बना लिया, सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा, ये अलंकार है। यानी एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप के अंदर स्वरों को श्रृंगार के जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसे अलंकार कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अलंकार को डिफाइन करो तो हम इसको कैसे करेंगे, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि संगीत रत्नाकर एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि अलंकार की परिभाषा दी गई है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार करना, यानी स्वरों का श्रृंगार करके उसको परफॉर्म करना, पेश करना। नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहा जाता है। अलंकार को पलटे भी कहा जाता है, यानी स्वरों को उलट पलट करके परफॉर्म करना। अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर द रेगुलर वर्ण ग्रुप इज कॉल्ड अलंकार। ओके, सो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए नए कुछ सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।